तहत जो है वो अब काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बताया ये जा रहा है तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। ये अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्या आप देखिए कि क्या कारनामे हैं? 112 हाईवेज, 16 एयरपोर्ट्स, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच 100 बिलियन डॉलर्स ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का फ्री ट्रेड पैक्ट किया है? बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं, और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल जाए, लेकिन 100 बिलियन डॉलर की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तजारती माहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिख्टेनस्टाइन और आइसलैंड में 16 साल मुजाकरात के बाद माहिदा तय पाया है। 4 यूरोपीय ममालिक का ग्रुप सरमायाकारी 15 साल के अरसे में करेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल वंदे इंडिया न्यूज में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मजेदार वीडियो, जिसके अंदर जो आलिया शाह और अर्जुन काजवी ने बताया कि कैसे भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर की डील आई है। तो चलिए देखते हैं उनका ये रिएक्शन और ये वीडियो, मिलते हैं आपको एंड में। करेंगे हम इंडिया की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, पीएम मोदी की। जी हाँ, और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत जो है वो अब काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बताया ये जा रहा है तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन उससे भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लोगों को ये यकीन हो कि उनका पैसा जो है वो भी सेफ है, उनके लोग भी सेफ हैं, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इतना पैसा कोई नहीं लगाता। इतना क्या, कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है, और खास तौर पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि बहुत बिजनेस माइंडेड है, और वो हमेशा से, जैसे गुजरात से उनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या जो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हैं वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो बिजनेस करने का एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और यही चीज हमने देखी है कि पीएम मोदी के अंदर भी और उनके अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो बिजनेस, जो बिजनेस डील्स हैं उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर 100 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं, और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल जाए, लेकिन 100 बिलियन डॉलर की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी, और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब ये और बात है कि पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी को और बाकी चीजों को देखना होगा, और अपने यहाँ भी हमें थोड़ी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, या उनको अगर नहीं भी आना चाहते तब भी हमें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस लाएं, और हम उन्हें बता सकें कि उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनका सामान सब महफूज है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन जो हैं उनको बहुत सिंसियरली पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। अब से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्या आप देखिए कि क्या कारनामे हैं? 112 हाईवेज, 16 एयरपोर्ट्स, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच 100 बिलियन डॉलर्स ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का फ्री ट्रेड पैक्ट किया है? और आप सोच सकते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा
जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस 100 बिलियन डॉलर पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसको इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है, लेकिन ये जो 100 बिलियन डॉलर का पैक्ट है इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें यह है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेंस्टन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं, पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं, लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे, लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ, मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे। और उसकी तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अर्जु काजमी और आलिया शाह ने बताया कि भारत के अंदर 100 अरब डॉलर का निवेश होने जा रहा है, जिसे देखकर वे बहुत ही ज़्यादा चौंक भी गए, क्योंकि जो IMF है वो पाकिस्तान को 8 बिलियन का लोन भी नहीं दे रहा है और यहाँ पर वही IMF के कुछ ग्रुप भारत के अंदर 100 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, जिसे देखकर दोनों अर्जु काजमी और आलिया शाह दोनों हैरान हो गए। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे भारत की तरक्की दिन पर दिन हो रही है और उनको रोज़ाना ऐसी ऐसी खबरें भारत से आती है जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। साथ ही में आलिया शाह ने यह भी बताया कि कैसे जो भारत का रोड नेटवर्क है वो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, और मोदी जी ने आज ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है वो भी वहाँ पर खुल गया है, तो दिल्ली से गुड़गांव जाना और भी आसान हो गया है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि जो यूरोप संघ के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे 10 लाख नई नौकरियां भी जनरेट होगी और भारत को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही में जो अपने घरेलू या औद्योगिक उत्पाद है उनको भी शुल्क मुक्त होने के कारण वह बहुत ही सस्ते में अपन को मिलेगा, और यह ट्रेड करने से भारत का जो अभी ड्रीम है 2027 तक $60 की इकोनॉमी बनना, $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे हम। तो इसी तरह की और भी अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। साथ ही में अर्जु काजमी ने यह भी बताया कि अगर हमें भारत की तरह तरक्की करनी है तो हमें जो हमारे मुल्क में कुछ मफादात है जैसे कि टेररिस्ट की जो प्रॉब्लम है उससे दूर होना पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी हमारी हमें गवर्नमेंट के अंदर, और भारत की बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि भारत हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।